खबर भिंड से है, जहां राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम कमलनाथ को लिया आड़े हाथों। कहा, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए किया कार्यक्रम आयोजित। भिंड राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस का फूका हुआ कारतूस बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस इसलिए मजबूर है कि कांग्रेस को कमलनाथ चंदा देकर चला रहे हैं। हाल ही में 23 फरवरी को जो भिंड में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कार्यक्रम हुआ था, उस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किया गया था। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष कहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ना बन जाएं। गोविंद सिंह 8 बार के विधायक हैं, इसलिए कमलनाथ एवं उनके इर्द गिर्द घूमने वाली सज्जन सिंह वर्मा जैसे लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस को निपटाने के लिए कार्यक्रम किया गया था। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने मिर्ची बाबा को फर्जी बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई प्रचार करने वाला नहीं बचा, इसलिए मिर्ची बाबा जैसे फर्जी लोग जो कांग्रेस को बत्ती लगाने का कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से एक कांग्रेस एवं गोविंद सिंह को निपटाने का काम था। कमलनाथ तो कांग्रेस के फूके हुए कारतूस हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कारतूस को चलाने के लिए कांग्रेस इसलिए मजबूर है क्योंकि कांग्रेस को वो चंदा देते हैं, कांग्रेस को ही कमलनाथ चला रहे हैं। और ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम नहीं था, ये कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए कार्यक्रम था, क्योंकि कमलनाथ जी का तो जाना तय है। अब वो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं बन जाए, इसलिए कमलनाथ के इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे वो सज्जन वर्मा जी हों चाहे कोई और जी हों, उनका प्रयास ये था कि भिंड में आके 8 बार के विधायक को उसके घर में ही आके उसको अपमानित करो। और ये मिर्ची बाबा जैसे फर्जी लोग, ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस में प्रचार करने वाले नहीं बचे, ऐसे फर्जी लोग जो कांग्रेस में बत्ती लगाने का काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से एक तरह से ये कांग्रेस निपटाओ अभियान था, डॉक्टर गोविंद सिंह को निपटाने का अभियान था। तो पहले तो कांग्रेस आपस में निपट ले, भाजपा की बात उसके बाद करें। भाजपा से लड़ने की स्थिति में तो कांग्रेस अब 20-25 साल नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की गुटबंदी का एक और उदाहरण था, कांग्रेस की ताबूत में एक और कील थी जो भिंड में आखिरी बार लग गई है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।